अच्छे से सॉर्ट आउट करना होगा इस बात को। तुम्हारे लिए कंपनी काम ये सब मायने रखती है, मैं कुछ मायने रखती हूँ। तुम सॉर्ट आउट कर दो, मैं सब कुछ करने को दे रहा हूँ, मैं सब कुछ छोड़ दूंगी। प्लीज आप सब बताओ क्या क्या छोड़ोगी, बताओ जल्दी बताओ फटाक से। अच्छा तुम क्या चाहते हो, क्या छोड़ू मैं बताओ, जो घर में जो मेरी मेरे लिए छोड़ूंगी, क्या छोड़ना चाहती हो बताओ, तुम अपने मन से बताओ क्या छोड़ना चाहती हो। काम नहीं छोड़ सकती क्योंकि मेरी मजबूरी है, वो मेरे मेरे ऊपर सब कुछ पड़ा है, वो घर पे सब पिछले दो साल से कर तो रहा हूँ। ऐसा नहीं होता, लेकिन अब तुम जाके ये बोल रहे हो कि मैं कुछ नहीं कर सकता, अब पीछे नहीं हट सकती तुम। यार मेरी अपनी लाइफ है, मेरा अपने खर्चे हैं, मैं तुम्हारे सारे खर्चे उठाता हूँ, मैं क्या बैठे कोने में बैठ के ना बता रही कि मैं ही तुम्हारी लाइफ हूँ। सी मोहब्बत करते वक्त लाइफ और मोहब्बत करने के बाद लाइफ में जमीन आसमान का फर्क होता है, इस बात को समझ जाओ तुम। लेकिन मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, ऑक्सीजन पानी हूँ मैं, नहीं ना रह सकती हो, ट्राई करो। नहीं प्रदीप तुम गलत जा रहे हो, गलत कर रहे हो तुम। सही बात है, तुम क्या क्या चाहते हो तुम। कुछ नहीं चाहता यार, सोच रहा हूँ घर का ही बिना नहीं कौन सुना। कॉमेडी ले रहे हो, और क्या करूँ, इतनी सीरियस बात को कॉमेडी ले रहे हो। शुरू कुछ नहीं किया, सब कुछ खराब हो रहा है ये सब हमारे बीच में। बस तुम थोड़ा सा सोच लो, घर जाओ। तुम्हें क्या चाहिए, सुनो तो मैं नहीं चाहिए, तुमको सब चाहिए। मुझे जो भी चाहिए वो बता देना, कि भाग जाओ। क्या तुम लड़कियों के पास ना ज़्यादा सभी अकल नहीं होती, क्या सही था क्या गलत था, व्हाट यू थिंक, उनको बताओ योर फीडबैक जरूरी है। सो एमएस लेवल से आज कॉमेडी बहुत अच्छा था, एक-एक बात करो, एक-एक बात। हां वो अपना रोल सीरियसली ले रही थी, उसको थोड़ा सीरियस होना था उस फ्लो में। भाई अगर मैं किसी को सुनो, इसी में व्यू बता रहा हूं, सुनो एक्चुअली आप 5 दिन हम लोग साथ में, पांच दिन साथ में, इसलिए बता रहा हूं, जब एक्टर कोई परफॉर्म करता है तो परफॉर्मेंस होने के बाद आप कुछ नहीं बोल सकते, क्यों, क्योंकि आप क्या डिलीवर कर सकते थे उन्होंने देख लिया, अब सिर्फ आपको सुनना है, आप अपने सफाई नहीं देनी, क्यों, क्योंकि ऑडियंस ही एक फिल्म को हिट या फ्लॉप बना देता है, तो तुम्हें सुनना है कि यार क्या मेरे परफॉर्मेंस के बाद क्या उन तक पहुंचा। बहुत सारे एक्टर सेल्फ आइडेंटिटी में अरेस्ट है, खुद ही बना के बैठे हैं कि मैं जो करता हूँ वही सही है और यही सही है और इसके आगे कुछ है नहीं, और उसी में वो अटक के बैठे हैं, इसीलिए उनको काम नहीं मिलता। लिसनिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एन एक्टर, सो यू हैव टू लिसन। चलो बोलो सर, उनको ही बताओ आप, मतलब थोड़ा पॉइंट जो मेन सिचुएशन थी उससे हट गए और सी वाज ऑन द डेड पॉइंट, सी बाकी आपका भी अच्छा रहा कि मेन पॉइंट। ओके आप बीच बीच में हंसते रहे, वो मुस्कुराहट आपके पीछे छिपे, लग रहा था कि आप आपसे आप सीरियस नहीं हो, अगर आप उनको छोड़ भी रहे हो वो आपके गले पड़ी हैं तो लगना चाहिए कि एक्चुअल में वो आपके गले पड़ी हैं, आप परेशान, कोई चीज़ छोड़ने के लिए हम परेशान होते हैं, क्योंकि उन्होंने पकड़ने की कोशिश की, जब आपने मजाक में लिया तो उन्होंने पकड़ा उसको, उन्होंने बहुत ही जो मजाक में नहीं लिया बीच में, और जो कार वगैरह आप ड्राइव कर रहे थे तो एकदम से आपने स्टीयरिंग से अपना हाथ हटा दिया। हाँ सर, और आपकी आवाज़ भी बहुत कम थी, और आपने बोला ना कि मुझे काम करना ही है, पर ये वाला नहीं आता था सवाल, मैंने बोला आपको काम करने से मना, ठीक है तो हम किस चीज़ कि किस चीज़ तक पहुंचना चाहते हैं पता है क्या, कौन बताएगा? सर मैं उनके यार जो मुझे लगा कि ये हो सकता था बेटर, और इन्होंने बेटर जो किया वो मैं बताना चाहूँगा। बोलो। आप एक्ट करते समय नहीं, आपका जो क्रम था एक्ट करने का और वॉइस बहुत अच्छी थी, और जो सब सेंटेंस निकल रहे थे बहुत अच्छे थे, लेकिन आपके चेहरे पर वो स्माइल जो थी सीरियस अंदर भी वही स्माइल दिख रही थी, जहाँ आपको सीरियस होना चाहिए था वहाँ भी आप थोड़ी हल्की स्माइल के साथ, बाकी प्रेजेंस ऑफ माइंड गुड, मुझे अच्छा लगा।
जैसे कि आपने हर उनके हर एक प्रश्न का उत्तर दिया, मुझे बहुत अच्छा लगा और एक्ट अच्छा था, बट वही थोड़ी सी स्माइल जो आपकी मुझे मतलब कि सिचुएशन को बना होता है बना दी थी और कहीं कहीं फंबल गया है। तो हम एक चीज़ को ढूंढ रहे हैं आप सब मैं, और वो एक चीज़ क्या हो सकती है एक परफॉर्मेंस में, कौन बताएगा? विचार, वो तो है ही, और जोरदार ताली है इसके लिए, रियलिटी। हम क्या ढूंढ रहे हैं? सच्चाई। जहाँ जहाँ पर एक्टर आपको सच लग रहा है वहाँ आपको उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, और जहाँ जहाँ आप बैठे ही है कि कहाँ गलती कर, हम वही पकड़ने के लिए बैठे। आप ये नहीं बैठ देखने के लिए बैठे कि अच्छा कर रहा है, आप ये देख रहे कहाँ गलती कर रहा है। और बहुत अच्छे एक्टर्स वो होते हैं जिनको आप सब तो मतलब जज ही हो, नो डाउट। मैंने इतने वर्कशॉप लिए हैं, आप मुझे भी जज करते हो, एक्टर को भी जज करते हो, मैं भी लोगों को जज करता हूँ। जजिंग करते करते ऑडियंस ऑटोमेटिक कहानी में घुस जाता है और वो एक्टर का सक्सेस होता है। फिल्मों का ले लो ना, पहले 15-20 मिनट में हम लोग देखते हैं क्या किया होगा, चल देखते हैं, और 15-20 मिनट का पता नहीं चलता कि कैसे फिल्म में घुस गए और अपने आंखों से भी आंसू आने लगे। तो हम ढूंढ रहे ट्रूथ। तो इन्हें इम्प्रोवाइजेशन इसलिए दिया मैंने ताकि ये सिचुएशन ही ऐसी है कि जिसमें सच्चाई के साथ आप प्रेजेंट कर सको। पहली बात, कोई भी मेल फीमेल के साथ जब उसका रिलेशन उसने बनाया तो बहुत प्यारी प्यारी बातें करके उसका लाड़ प्यार सब करके, बेबी बुआ क्या 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 सब करके हो जाता है। तो इतना अब ब्रेक करते टाइम इतने गुस्से में भी वो बात नहीं करेगा, ही विल अवॉइड, लाइक बहुत कम शब्दों में कि शेरनी ना बन जाए, थिंक ऑन इट। किसी के साथ एक्सपीरियंस हुआ है तो आप जाओ उस लाइफ में कि चुपचाप कलटा सलटा दो मैटर, ज़्यादा दिमाग मत लगाओ यार, समझो यार घर का काम होता है, इसका होता है, वैसा होता है, पार्टी का काम होता है। क्यों? क्योंकि गुस्सा गुस्से को अट्रैक्ट करेगा ना, उसको वो जानता है कि मैं गुस्सा करूँगा तो ये भी गुस्सा करेगी। कुछ मोमेंट हो सकते हैं बात करते करते, समझा करो यार एक ही चीज़ कितने बार बताओ मैं तुम्हें। मैंने सुना तुम्हारे दोस्तों को बोल रहे हो कि मेरा घर का खर्चा तुम उठाते हो, अब पता तो है ना, उठाता तो है ना, खर्चा उठाता तो है, लोगों की बात क्या सुनोगी तुम अभी अभी, कहाँ इससे दिमाग लगाओ, लोग तो कुछ भी बोलेंगे। हस्बैंड वाइफ, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड एक समय जब बिताते हैं ना एक दूसरे के साथ तो लड़के ज़्यादा आर्ग्यू नहीं करते, ईगो एटीट्यूड सब निकल जाता है। वो बोलता है तो कौन दिमाग लगाएगा यार, चल मॉल में जाना है, हाँ चल कर ले शॉपिंग, हो गई, वो अपना फ़ोन पे बात कर रहा है, हो गई ओके कार्ड स्वैप करना है, ये स्वैप कर लिया, चल निकल जाएंगे। आपको इंसानों की फितरत पकड़नी है, एक्टिंग या कैरेक्टर कहीं और से थोड़े निकल के आते हैं, आप हम ही कैरेक्टर है ना। और अनुराग कश्यप, दिवाकर बैनर्जी या राजकुमार हिरानी कहाँ से कैरेक्टर उठाते हैं? आप और मेरे से ही तो उठाते हैं ना। तो एक्टिंग मतलब कुछ और अलग दुनिया की कुछ एक्टिंग करनी है, पागल का रोल करना है, कुछ और अलग चीज़ें करनी है, वो है ही नहीं। जितना रियल रहेंगे, जितना स्थिर रहेंगे, जितना सच्चाई के साथ उस कैरेक्टर में घुसेंगे, वही तो देखना है लोगों को। रणबीर कपूर संजय दत्त का मिमिक्री भी कर सकता था, आवाज़ भी बदल सकता था, लेकिन बहुत सटलिटी के साथ उसने वो कैरेक्टर करने की कोशिश की, आवाज़ उसका ही रखा, बॉडी लैंग्वेज चेंज की, बाकी मेकअप वेकअप प्रोस्थेटिक के जरिए चेंज किया। नवाजुद्दीन सिद्दीकी क्यों पसंद आता है? क्योंकि सच्चाई के करीब जाता है ना। इरफान खान क्यों पसंद आता है? इरफान खान बोलता है हंसाने के लिए, मुंह टेढ़ा करने का किसने बोला है? किस डिक्शनरी में लिखा हुआ है? आंखें बड़ी करो, है वो करो, किसने बोला है? नहीं करूँगा मैं, ऐसे सॉफ्ट लाइन बोल के जाता है मक्खन की जैसी, और हम लोग हंसने लगते। अभी एक उसका फिल्म आ रहा है, ट्रेलर देखा उसका आप लोगों ने? इरफान खान का एक मूवी आ रहा है, उसका ट्रेलर देखो आप, ऐसे हल्के में लाइन बोल देता है और लोग हंसने लगते। गोविंदा कभी कोशिश करता है कॉमेडी करने की? ऐसे ही हो जाती है ना। लेकिन गोलमाल फिल्म देखेंगे तो गोलमाल के कितने सारे एक्टर आपको लगेंगे घिसा जबरदस्ती की कॉमेडी करने की कोशिश कर रहे हैं। सहजता, स्थिरता और सच्चाई, इसके अपने को करीब जाना पड़ेगा। तो आप दोनों ने भी बहुत अच्छी कोशिश की, आपने भी बहुत अच्छा किया आपने, लेकिन हमें आगे अगर बढ़ना है तो उसकी बाल की खाल निकालनी पड़ेगी।
क्या क्या लड़की पूछ सकती थी सोचो। ये लड़की को पता है कि घर पे जाते ही शायद मेरे ओनर का फ़ोन आएगा कि 3 महीने का रेंट बाकी है, ये पैसे दे ही नहीं रहा है। अचानक तुम जॉब कहाँ से मिलेगा तुम्हें? जॉब करोगी, 1 महीने के बाद सैलरी आएगी, खाने पीने का खर्चा, घर वालों का खर्चा, कितने सारे खर्चे होते हैं। वो फ्रस्ट्रेशन टेंशन जब इधर रहेगा तब चेहरे पे ऑटोमेटिक आएगा, बनावटी नहीं करना पड़ेगा। टेलीविज़न पूरा बनावटी पे चल रहा है, फिल्में 99% बनावटी चल रही है, रियलिस्टिक जितनी छोड़ दी जाए। बाकी सब साउथ वाली फिल्में तो हीरो इंटर करता है, वो कैमरा एंगल डाज डिज डुज ठम ठा, लेकिन वो बहुत अच्छे एक्टर्स हैं, उनकी सिनेमाटोग्राफी बहुत कमाल की होती है, इमोशनल होते हैं वो लोग, वो सीन इतने अच्छे से करते हैं कि हिंदी डब फिल्म देखने के बाद भी हम मज़ा आता है अपने को। सो इमोशन है ना। और हम लोग आज प्रॉब्लम क्या है पता है, कि हम लोग बहुत प्रैक्टिकल हो गए, हम इमोशन को वैल्यू नहीं देते। पहले ज़माने में परिवार अगर घर पे आए, कोई मेहमान आए तो 4 दिन जाने नहीं देते थे, और आज कोई मेहमान आए तो बोलते किस होटल में रुका है, आज पैमान आए अपने ही घर पे आए, कौन सा होटल लिया है, एक रोटी खाओगे ना एक बाउल, छोटा सा बाउल होता है उसमें राइस, ये फिनिश करना होगा हाँ पूरा बहुत सारा दे दिया। बाउल कितना है, इतना छोटा बाउल, अपने दोस्त की मम्मी, अरे बेटा आजा, अच्छा तू भी आया है, तू पहले खाना खा ले, उसके बेटे को तू पहले खाना खा ले, फिर ये अपने दोस्त को, बेटा तू भी थोड़ा सा खा ले, हाँ माँ लगाओ ना उसके लिए, फिर इतनी सी छोटी सी वो बर्तन और उसमें राइस, और फिनिश करना पड़ेगा पूरा। वो चपाती फुलका होता है ना छोटा फुलका, वो फुलका देंगे और बोलेंगे और लाओ, जब तक खाते रहूँगा ले क्या वो एक फुलका एक रोटी इसका होता है, क्योंकि मेहमान नवाजी नहीं रही, लोग रियल नहीं रहे, मैनिपुलेटेड हो गए, मास्क लगा के घूम रहे। पहले हीरो हीरोइन को हम देखेंगे तो उनमें सच्चाई थी, मधुबाला मीना कुमारी दिलीप कुमार ये सब लोग सच्चे लगते थे, आज के सब डुप्लीकेट लगते हैं, पता चलता है साला एक्टिंग कर रहा है। वो सच्चाई जब अपने परफॉर्मेंस में आ जाएगी तो ऑस्कर फिल्म फेयर नेशनल अवार्ड लाने में कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, वही तो लोग ढूंढ रहे। मैं तो बहुत सख्त खिलाफ हूँ कि रोने की एक्टिंग कैसी करे, हंसने की एक्टिंग कैसी करे, पुलिस की एक्टिंग कैसी करे, अरे वो कोई सोच है ना, एक इंसान मतलब एक सोच है ना यार, जब तक वो थॉट और उसकी सोच हम पकड़ नहीं पाएंगे तब तक कैसे क्या हो, क्या कुछ डांस है क्या कि 4 स्टेप कर दिए और आ गए, क्या क्यों कब कहाँ कैसे, हर कैरेक्टर के बारे में सोचना पड़ेगा ना। ऐसा कहते हैं हमेशा सबसे टॉप की जो पोस्ट होती है उसके लिए बहुत कम कंपटीशन होती है, राइट और रॉन्ग? टॉप की जो पोजीशन है ना उसके लिए कंपटीशन बहुत कम होती है, क्योंकि उसके लिए काबिल इंसान चाहिए। तो भीड़ के हिस्से में जो कॉमन एक्टर में घूम रहे हैं ना, वो इसीलिए घूम रहे हैं क्योंकि अभी तक उस लेवल पे काबिल बने नहीं। जब हम कोई चीज़ डिजर्व करते हैं तो ऑटोमेटिक मिलती है, नेचर देता है। तो अगर आज ज़िंदगी में अच्छा काम नहीं मिल रहा है, एक्टिंग में कुछ बात नहीं बन रही है, तो इतना ही बोलने का कि मैं शायद वो लेवल अभी डिजर्व नहीं कर पा, जब डिजर्व करने लगूंगा तब ऑटोमेटिक वो चीज़ मुझे मिलने लगेगी। नहीं तो जाओ अपने पास्ट में जाओ, और पास्ट में जाओ कुछ चीज़ आपको हासिल करनी थी, एक समय नहीं मिल रही थी, कुछ समय बाद इजीली आपको मिल गई, बिकॉज तब आप डिजर्व करते थे, ऐसा मेरा ख्याल है, ऐसा मुझे लगता है, ज़रूरी नहीं कि आप भी मानो, बट राजकुमार हिरानी डिजर्व करते हैं, हर फिल्म हिट डिजर्व करते हैं, तब जाके वहाँ पर है। तो बस ठहराव के साथ, शांति के साथ, एक्टिंग में भी बहुत टेंशन लेके स्ट्रगल कर रहा हूँ, इतना साल हो गया उतना साल हो गया, कुछ नहीं, मैं आर्ट से प्यार करता हूँ, और साल लगने थे 10 साल लगने थे 20 साल लगने थे, मेरा एक जॉब है जहाँ से पैसा आता है और ये मेरे खुशी के लिए कर रहा हूँ, ऑटोमेटिक राजकुमार हिरानी की नज़र जाएगी, माजिद मजिदी की नज़र जाएगी और आप उस तक पहुँच जाओगे 100%। ये मैं कुछ अलग बात नहीं बता रहा हूँ, नेचर का रूल बता रहा हूँ मैं आपको। तो जैसे आप सभी ने इतना अच्छे से उनको फीडबैक दिया उन दोनों के एक्ट के बारे में, तो धीरे 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 वो उनको जब समझ में आएगा फिर क्या टेक्निक है सच्चाई की और करीब जाने की, वो जब समझ जाएंगे तो कोई नुक्स निकाल ही नहीं पाएगा। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में 3 साल होता क्या है फिर? अपन 2 महीने 3 महीने 6 महीने में थक के घर पे वापस जाते हैं, 3 साल तक दिन रात उठते बैठते सोते एक्टिंग 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 मेथड एक्टिंग नाट्यशास्त्र दुनिया भर के नाटक स्टाइलाइज हो रियलिस्टिक हो नेचुरलिस्टिक हो दिन रात उसी में लगे पड़े, 3 साल के बाद जब बाहर निकलते तब ढूंढते काम
और अपन थोड़ा बहुत हाथ पैर मारते हैं और कुछ नहीं हुआ हम निराश हो जाते। तो मैं हमेशा मेरे वर्कशॉप में यही बोलता हूँ कि फिल्म इंडस्ट्री अपने को करोड़पति बनाने की ताकत बना सकती है, हर किसी को। अपने बाप जन्म में हमने उतना पैसा देखा नहीं होगा, उतना पैसा ये इंडस्ट्री दे सकती है। किसको? काबिल आदमी को, जो डिजर्विंग है उसको, जो डिजर्विंग नहीं है। जैसे आपने इन दोनों को जज किया ना, हर एक्टर इतना ही मान लो कि आपको भी देखने वाला ऐसे ही जज करेगा। ऑडिशन में आप जाते हो ऐसे ही जज करते हैं। तो खुद का जो लेवल है कि मैं किस लेवल पे स्टैंड करता हूँ, वो जब समझेंगे तब बाकी चीज़ें ऑटोमेटिक हो जाएगी। चलिए, दोनों के लिए ज़ोरदार तालियां। और दो एक्टर चाहिए, एक फीमेल एक मेल।